हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही स्क्रबिंग कैसे कर सकते हैं। फेस स्क्रबिंग, जो कि आपके फेस क्लीनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्क्रबिंग, वो आप घर पे कैसे कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्क्रबर्स होते हैं, पर मुझे मार्केट वाले सूट नहीं करते हैं। मुझे उनके ग्रेज बहुत हार्श रहते हैं और मुझे उससे पिंपल निकल जाते हैं, इसलिए मार्केट का मैं कभी स्क्रबर यूज़ नहीं करती। मैं घर पर ही स्क्रबर अपना बनाती हूँ और उसे ही यूज़ करती हूँ। तो आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। आपका शुगर हो गया, कॉफ़ी, राइस फ्लोर, जिसमें भी हल्के से ग्रेन्स होते हैं उनसे आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। और इन्हें आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे आप अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो कोकोनट ऑयल के साथ आप मिक्स करें शुगर, या हनी के साथ आप मिक्स करें शुगर, उससे आप स्क्रबिंग करें तो वो बहुत अच्छी रहती है। अगर आपकी है ऑयली स्किन तो कोकोनट ऑयल कभी यूज़ ना करें, फिर पिंपल्स निकल जाने हैं आपके फेस पे सारे। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप हल्का सा लेमन यूज़ कर सकते हैं, लेमन के साथ शुगर आप यूज़ कर सकते हैं। आप कर्ड के साथ कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल के साथ आप राइस फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप कर्ड, कॉफ़ी वो यूज़ कर सकते हैं स्क्रबिंग के लिए। तो मेरी है ऑयली स्किन तो मैं तो कोकोनट ऑयल कभी यूज़ नहीं करती फेस पे। मैं जो मेरा बेस्ट स्क्रबर है वो मैं आपको बताऊंगी कि जिससे मैं स्क्रबिंग करती हूँ। स्क्रबिंग आपके पहले जान लेते हैं स्क्रबिंग क्यों ज़रूरी है। स्क्रबिंग आपके फेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फेस पे पैचेस हो जाते हैं, यहाँ यहाँ थोड़े से ब्लैक कलर के, और आपके वाइट हेड्स रहते हैं, ब्लैक हेड्स रहते हैं। जब आप फेस को ऐसे टच करते हैं तो हल्के हल्के से आपको दाने दाने से फील होते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स उनके, तो उन सबको रिमूव कर देती है आपकी स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग डेली नहीं करनी है आपको, स्क्रबिंग करनी है आपको अल्टरनेट डेज पे, डिपेंड अपॉन आपका स्किन टाइप कैसा है। ऑयली स्किन है आप अल्टरनेट डेज पे स्क्रबिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, धूल मिट्टी पिंपल्स निकलने का डर रहता है, तो उससे हम स्क्रबिंग कर सकते हैं अल्टरनेट डेज पे। आफ्टर, या जैसे आपने आज स्क्रबिंग की है तो 2 डेज स्किप करें, फिर आप स्क्रबिंग करें, ठीक है। इट डिपेंड, आप टच करके देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हल्के हल्के फेस पे छोटे छोटे दाने हैं या ग्रेन्स हैं या वाइट हेड्स हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, तो आप स्क्रबिंग कर लें। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब मैं आपको अपना बेस्ट तरीका बताती हूँ स्क्रबिंग का कौन सा है। तो मैं स्क्रबिंग के लिए यूज़ करती हूँ राइस फ्लोर चावल का आटा, जो आप खुद भी घर पे बना सकते हैं। अपने चावल लीजिए, ग्राइंडर में उन्हें ग्राइंड कर लीजिए, उनका एक फाइन सा आप बना लीजिए थोड़ा सा। पर मार्केट में आपको जो चावल का आटा है वो वैसे भी मिल जाता है, अवेलेबल रहता है, आप चावल का आटा मांगेंगे तो वो मिल जाएगा। तो मैंने तो मार्केट से जो लिया है वो चावल का आटा ही लिया है। तो मैं ये 1 स्पून मैंने फुल लिया है चावल का आटा, और मैं इसमें ऐड करूंगी, मुझे सबसे अच्छा इसमें, आप तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, आप टोमेटो जूस ऐड कर लीजिए, उससे स्क्रबिंग कर लीजिए, हनी ऐड कर लीजिए, हनी से स्क्रबिंग कर लीजिए, कर्ड ऐड कर सकते हैं, कर्ड के साथ स्क्रबिंग कर सकते हैं। पर मैं जो स्क्रबिंग करती हूँ वो मैं स्क्रबिंग करती हूँ उसमें एलोवेरा जेल डाल के, एलोवेरा जेल और जो आपका राइस फ्लोर है चावल का आटा, इन दोनों को मिक्स करके मैं स्क्रबिंग करती हूँ। तो मैंने यहाँ पतंजलि का लिया है ये एलोवेरा जेल, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो मैंने ये इसमें मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा आप इसमें मिक्स करें, ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं है कि इतना ही डालना है और इतना नहीं डालना है। तो मैंने इसको हल्का सा, सारा मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल रख रखा है और यहाँ पे है मेरा ये चावल का आटा, इसे मैंने बीच हल्का सा मिक्स किया है, थोड़ा सा मैंने इसको बीच में यहाँ मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे इस तरफ एलोवेरा जेल है, इस तरफ चावल का आटा है, बीच में मैंने इसे मिक्स किया है। मेक श्योर अपना फेस आप एक बार क्लीन कर लीजिए, मैंने क्लीन कर लिया है। तो अब मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल लिया है, ये फिंगर्स पे मैं एलोवेरा जेल लिया है, और मैं इसे पहले फेस पे अच्छे से थोड़ा सा अपना फेस वेट करूंगी एलोवेरा जेल के साथ। ये बिंदी निकाल देती हूँ, मैंने हल्का सा अपना फेस सारा वेट किया है एलोवेरा जेल के साथ, और आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल। अब जो हमने मिक्सचर बनाया है बीच में, जिसमें एलोवेरा जेल और चावल का आटा मिक्स है, इसे लेके इसे अब अपने नोज से स्टार्ट करते हुए हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रबिंग करनी है। बिल्कुल भी अपने फेस पे आपको हार्श नहीं होना है कि आप जोर जोर से स्क्रबिंग कर रहे हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको स्क्रबिंग करनी है। मेनली जो आपका ये वाला एरिया होता है, आपका फोरहेड का एरिया होता है, और आपका चिन और लिप्स के अराउंड का एरिया होता है, यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना है स्क्रबिंग करते हुए।
और आपको गुड 1 to 2 मिनट्स के लिए स्क्रबिंग करनी है। बहुत देर तक स्क्रबिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को आपने कष्ट नहीं देना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है स्क्रबिंग को। अब जैसे आपको नीड है, अब आपके हाथ वेट है, तो आप इसमें चावल का आटा डायरेक्ट लगा लीजिए इस तरीके से, और बस इस तरीके से आप स्क्रबिंग करते रहिए। स्क्रबिंग करने के बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड हैं, वो सारे ही रिमूव हो जाते हैं, आपकी जो डेड स्किन होती है वो निकल जाती है। ज़्यादा आईज़ के आसपास आपको नहीं करना है, यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, फिर आपको रेड रेड सा हो जाएगा सारा। हल्की सी रेडनेस इसके बाद फेस पे लगती है तो वो नेचुरल है, उसमें कोई आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी स्क्रबिंग अब डन है, और अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। वेलकम बैक। तो मैंने अपना जो फेस है वो सारा मैंने अपना वॉश कर लिया है, इसको मैं टॉवल से ड्राई कर लूँगी। स्क्रबिंग करने के बाद जो आपके पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो स्क्रबिंग के बाद आप अपने फेस पे ज़रूर कोई पैक लगा लें, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, पर इसके बाद आपको ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाना है, हल्का सा कोई पैक लगा लें। मैं इसके बाद एलोवेरा जेल ही लगा रही हूँ फेस पे, तो इसकी आप एक अच्छी सी मोटी सी लेयर अपने फेस पे लगा के थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने दें। आपको खुद फील होगा कि जो आपके ग्रेन्स, जो आपके दाने फेस पे लग रहे थे आपको, वो बिल्कुल ही क्लीन हो गए हैं, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये मैंने एलोवेरा जेल इसके बाद अपने फेस पे लगा लिया है। थोड़ी सी रेडनेस नोज़ के आसपास लग रही है, ये हो जाती है आफ्टर स्क्रबिंग, जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो ये नॉर्मल रहता है, ये हो जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए।